आगे बढ़ाएंगे। आ जाओ, शुरू हो जाओ। किस किस को नोटिफिकेशन मिल रहा है, आइए फटाफट से। नोटिफिकेशन का इश्यू है, कोई बात नहीं, जैसे ही नोटिफिकेशन आए जुड़ जाना, कनेक्ट हो जाना। तब तक मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि हमारा बाद में जो समय है वो बच जाए, है ना। देखो, ये है दिल्ली सब कोऑर्डिनेट के द्वारा लिया गया इलेक्ट्रिशियन का पेपर, 11 जुलाई 2023 को हुआ था। सेकंड शिफ्ट हम हल करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का भी मिल चुका है, तो फर्स्ट शिफ्ट आपको इसके बाद करवाएंगे, अभी यही कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, जिन जिन को भी नोटिफिकेशन मिल रहा है, और जहाँ कल रुके थे आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। नोटिफिकेशन कम बच्चों को मिला है क्या? चलो, स्वागत सभी का एक बार फिर से, वेलकम। शुरू करें, इंट्रोडक्शन ना दूं, हो गया, दोबारा बता देता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड का पेपर है, इलेक्ट्रिशियन का पेपर है, 11 जुलाई 2023 का। सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इसकी फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर है, जो कि आपको इसके बाद हल करवाएंगे। पांच डिसिप्लिन है टेक्निकल में, यानी पांच पोर्शन है, एक एक करके हर दिन हल करेंगे। 5 दिन में एक पेपर हमारा पूरा हो जाएगा। आओ फिर शुरू करते हैं। अगर आज इसी क्लास से देख रहे हैं आप, आज से देख रहे हैं, तो देखो ये थे 20 क्वेश्चन कल वाले डिसिप्लिन वन में, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज ये देखो, ये शुरू करेंगे हम, और ये रहा आपके सामने डिसिप्लिन टू लिखा हुआ है, यानी पार्ट नंबर 2 इस पर लिखा हुआ है, और ये रहा इसका पहला सवाल आपके सामने। समझ में आ रहा है सभी को? हिंदी में ज़रूर है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। सवाल सुनिए। हाँ ठीक है, आपका नमस्ते, हाय, हेलो, और वो सब मुझे मिल गई है, और पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप बने रहना। सवाल देखो, प्रारंभिक प्रज्वलन वोल्टेज प्रदान करने के अलावा, अब इंग्लिश बता रहा हूँ, स्टार्टिंग इग्निशन वोल्टेज देने के अतिरिक्त सोडियम वेपर लैंप में शरण ट्रांसफार्मर, शरण को लीक ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ये और क्या क्या मदद करता है? पहली बात तो ये बता दूं, एक सोडियम वेपर लैंप की इग्निशन वोल्टेज कितनी है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना 2.5 kV के आसपास है, जो कि हमें लीक ट्रांसफार्मर ही प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद दूसरा काम क्या है? देखो, ट्रांसफार्मर शब्द जब भी आ जाए ना, तो ये एक चोक वाला ही पोर्शन है, और चोक का दूसरा नाम हम बेलास्ट रखते हैं, और बेलास्ट का प्रारंभिक हाई वोल्टेज प्रदान करने के बाद में दूसरा जो काम होता है वो होता है करंट को सीमित करना, यानी करंट लिमिटर के रूप में वो बाद में काम करती है, धारा सीमित करने का काम करती है, ठीक है। हाँ, चोक या बेलास्ट बोलते हैं इसे, इसलिए इसका डी उत्तर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, और उम्मीद थी कि लगभग सभी बच्चों का सही हुआ भी होगा। अगर पहली बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको सही ही करके आते। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। फास्ट सॉल्यूशन करवाइए, ठीक है, बिल्कुल करवा देंगे। देखो, वायरिंग संस्थान से संबंधित ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रेगुलेशन के अनुसार, विनियमन को इंग्लिश में रेगुलेशन बोलते हैं, BIS का पूरा नाम याद कर लो। देखो, एक चीज़ और बताऊँ, कल भी एक बच्चा कह रहा था कि पेपर में तो 120 मिनट का टाइम मिलता है, आपने देखो कितना समय ले लिया। अरे भाई, हम एग्ज़ाम थोड़ी दे रहे हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फटाफट चलने का मतलब क्या है? हम तो उसके आसपास की जुड़ी हुई सारी चीज़ों को पढ़े ना, एक क्वेश्चन नहीं, हमारा टारगेट होता है कि इस क्वेश्चन में से हम 4 क्वेश्चन निकालें, ठीक है। तो रैपिड फायर चलने का अपना टारगेट नहीं होता है, अपन कुछ सीखना चाह रहे हैं इनसे। भैया आइए जरा, क्या कहते हैं? देखो, 3 पिन 16 एम्पीयर का जो सॉकेट आउटलेट है, उसके लिए स्विच कहाँ लगना चाहिए? अब सिंपल सी बात है, अगर आपने घर में भी कहीं पर देखा होगा, तो दोनों एक ही बोर्ड में होते हैं, जहाँ पर सॉकेट होता है उसी के पास में स्विच होता है, ठीक है, डी उत्तर आ जाएगा। सॉकेट आउटलेट के बिल्कुल पास में लगना चाहिए, ये दोनों अलग अलग नहीं लग सकते ना, ऐसे थोड़ी है कि सॉकेट कहीं और है, स्विच कहीं और है, सॉकेट में से ही तो आउटपुट ले रहे हैं, सप्लाई कंट्रोल भी तो सॉकेट के पास में ही होना चाहिए। जी, अगला सवाल, निम्न में से किस हैंड टूल का उपयोग लकड़ी के ब्लॉक में छिद्र करने के लिए करते हैं? लकड़ी में होल करने के लिए रेचेट ब्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, सेंटर पंच होता है 90 डिग्री पर मार्किंग के लिए,
ठीक है। इसी तरह से प्रिक पंच भी आते हैं जो 30 डिग्री और 60 डिग्री की मार्किंग के लिए होते हैं। सॉकेट स्पैनर नहीं होता, स्पैनर एक सेट होता है अलग से जिसको चाबी बोल सकते हैं। और पिंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, CPRI एग्जाम से पहले मैंने शायद बताया भी था, है ना। ये होता है लकड़ी से नुकीली कील निकालने, या सीधा ही लिख दो कील निकालने, नेल्स बोलते हैं इंग्लिश में। पिंसर का उपयोग पढ़ लेना प्यारे बच्चों, पेपर में सवाल आ सकता है। जी अगला क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम UPPCL ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आप UPPCL वाला पेपर देने वाले हैं तो भैया इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, भैया इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर दो, बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, सवाल ऐसे ही आएंगे। देखिए सवाल, सिरोपरि लाइन यानी ओवरहेड लाइन से तुलना करने पर भूमिगत केबल यानी अंडरग्राउंड केबल के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। पहला पॉइंट देखो, अंडरग्राउंड केबल को अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है? नहीं, अंडरग्राउंड केबल मेंटेनेंस फ्री मानी जाती है क्योंकि कोई इंसुलेटर और वो एक्स्ट्रा कुछ भी हम नहीं लगाते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तूफान और बिजली गिरने से अंडरग्राउंड केबल के क्षतिग्रस्त होने की संभावना न के बराबर है, ज़मीन के अंदर है। भूमिगत केबल में बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, बिल्कुल, वोल्टेज ड्रॉप इसमें इतना नहीं होता जितना हमारी ओवरहेड लाइन्स में होता है। भूमिगत केबल की प्रारंभिक लागत कम होती है? नहीं भैया, इनिशियल कॉस्ट महंगी होती है। तार की अपेक्षा केबल जो हम लेकर आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, और केबल इंसुलेशन के हिसाब से और महंगे आते हैं। फ्लेक्सिबल है कि आर्मर्ड है, आर्मर्ड में भी सिंगल है कि डबल है, तो केबल कॉस्टली होता है। अब कुल मिलाकर के देखो, यहाँ से ना ये एक क्वेश्चन नहीं मिला, आपको चार चीज़ें सीखने को मिली। हमें यहाँ पर यूँ समझ लो कि कम से कम चार बातें सीखने को मिली हैं, चार क्वेश्चन मिले हैं। UPPCL में कैसे उल्टा सीधा सवाल आ सकता है, समझ रहे हैं आप? सही की जगह गलत स्टेटमेंट पूछ सकता है वो आपसे, और बाकी चार स्टेटमेंट बना करके इनको चेंज कर देगा ना वो। ये एग्ज़ाम बिल्कुल TCS कंपनी के जैसा लग रहा है, जैसा कि UPPCL लेता आया है। तो जो भी बच्चे UPPCL या UP RVNL TG2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इन क्वेश्चनों को पढ़ लें। जैसा कि ये क्वेश्चन देखो, ऐसा ही UPPCL दे रहा है आपको सोचने के लिए, ऐसे नहीं कि 20 सेकंड में आप उत्तर कर दोगे, सोच समझ करके टाइम लगेगा। आइए ज़रा क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न कथन में से कौन सा सही स्टेटमेंट है। पहला सुनो, उपकरण ट्रांसफॉर्मर, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, दो कुंडलन ट्रांसफार्मर के समान यानी दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर के समान अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में CT और PT आते हैं, और CT PT का भी काम करने का सिद्धांत म्यूचुअल इंडक्शन का ही है। पहला सही। सेकंड वाला क्या कह रहा है देखो, धारा ट्रांसफार्मर यानी CT की प्राइमरी में टर्न की संख्या सेकेंडरी से अधिक होती है? नहीं भैया, CT क्या करता है, CT एक तरह से वोल्टेज स्टेप अप प्रकार का है। करंट को स्टेप डाउन कर रहा है ना, करंट घट रही है मतलब वोल्टेज बढ़ रहे हैं, और वोल्टेज तो तब बढ़ते हैं जब आपका, अभी सीटी का देखो करंट नापने के लिए क्या होता है, एक सिंपल तार है, इसमें से अपन टोंक टेस्टर से करंट नापते हैं ना। टोंक टेस्टर क्या है, मीटर प्लस CT है कि नहीं। तो CT जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसलिए प्राइमरी में CT में एक या दो टर्न होते हैं, ए फ्यू टर्न बोलते हैं इंग्लिश वाले, आ चुका है पेपरों में CT की प्राइमरी में कैसे टर्न होते हैं, तो ए फ्यू टर्न लिखते हैं वो, ठीक है, या फिर एक सिंगल कोर होती है जिसका हमें मेजरमेंट के रूप में देखते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। तीसरा, हाई करंट मापने के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर को CT कहा जाता है? बिल्कुल ये सही इस्तेमाल किया इसने। मापन प्रयोजन के लिए यानी मेजरमेंट एप्लीकेशंस के लिए उपयोग किए जाने वाले इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की सटीकता उच्च होनी चाहिए? बिल्कुल सही है। तो हमारे हिसाब से कौन कौन सही हो गए, 1, 3 और 4 डी उत्तर कर देंगे। अब अगर दूसरे स्टेटमेंट को आपको सही बनाना हो तो क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को अगर हमें सही बनाना तो अब ये करेंगे कि धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में टर्न की संख्या सेकेंडरी में टर्न की संख्या से कम होती है, तो फिर चारों स्टेटमेंट सही हो जाते, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। जब सवाल कारण के साथ हल हो तभी समझा करो कि ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। हमेशा बोलता हूँ देखो, ये तो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, तो साथ में उत्तर दिए हुए दिख ही रहे हैं सबको। हमें इनका कारण जानना है कि ये ऐसा ही क्यों हुआ, जिससे आपको चीज़ क्लियर हो जाए। मोटर स्टार्टर वाइंडिंग, ये दरअसल स्टार्टर लिख दिया, स्टेटर है वास्तव में तो, और ये निम्न क्वेश्चन में से उठाया सिंपल सा।
तो मध्यम प्रतिरोध की श्रेणी में आएगा। मैं आपको एक एक करके सारे बता देता हूँ। कम प्रतिरोध होता है एक ओम या इससे कम, यानी एक ओम तक का प्रतिरोध निम्न मान में आता है। मापन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं ये जरूर बता दो मुझे। निम्न प्रतिरोध नापने के लिए सबसे सटीक विधि बता दीजिए मुझे। और मध्यम प्रतिरोध होता है एक ओम से अधिक और 100 किलो ओम तक, और जो हमारा उच्च प्रतिरोध होता है वो 100 किलो ओम से अधिक होता है। वेरी गुड वेरी गुड। किस किस ने किया? रविंद्र का आया, शिवेंद्र का आया, सुधीर, सुधीर ने क्या लिखा है? पोटेंशियो, नहीं सुधीर, वहाँ पोटेंशियोमीटर है लेकिन सबसे बेस्ट विधि पूछ रहा था मैं। नीतीश का भी ठीक है, सतीश जांगड़ा ठीक है, के इलेक्ट्रिशियन ठीक है, बस इतने ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, केल्विन ब्रिज आएगा। निम्न प्रतिरोध नापने की सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड जब सवाल आए तो केल्विन ब्रिज बोलते हैं उसे, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या करे, एक मापी में प्रभाव के कारण होने वाली त्रुटियां क्या है? दरअसल प्रभाव त्रुटि को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लुएंस एरर। क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंस एरर। और इन्फ्लुएंस में क्या क्या आता है पहले मैं वो बताता हूँ। ताप, दोलन, नमी, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का। अब हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ, टेम्परेचर, ऑसिलेशन, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के कारण जो भी होता है उसे हम इन्फ्लुएंस एरर बोलते हैं। त्रुटियाँ चार तरह की होती है, इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में करवा चुका हूँ, और तीन बड़े भागों में बांटा गया है, रैंडम और ग्रॉस और स्टैटिक, और उसके बाद में जो चार भाग और बांटे गए, उम्मीद करता हूँ क्लास आपने अटेंड कर ली होगी। इंस्ट्रूमेंट वाले में इंट्रोडक्शन का जो हुआ था क्लास, लगभग उसी क्लासेज के आसपास ये आपको मिल जाएगी। त्रुटियाँ टोटल 7 त्रुटियाँ करवाई है, एक एक करके पढ़ लेना, सारी छोड़ेगा नहीं कोई भी। जी अगला सवाल देखो, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जोड़े जाने पर 4 एम्पियर की धारा लेने वाले एक इलेक्ट्रिक आयरन की खपत की गई विद्युत शक्ति की गणना करो। देखो इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है ना वो ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करती है, यानी तापीय सिद्धांत या थर्मल इफेक्ट पर आती है। थर्मल इफेक्ट की अगर पावर आप कैलकुलेट करेंगे तो VI से काम चल जाएगा, इसलिए चल जाएगा कि तापीय उपकरणों का जो कोस फाई होता है यानी पावर फैक्टर, वो हम इकाई मानते हैं, इसलिए VI कोस फाई करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली VI से काम चल जाएगा। 250 × 4 1000 वाट उत्तर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं ये बताओ। हाँ कैलकुलेशन बहुत दी इन्होंने, पता नहीं क्या जची इनके। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किस माप उपकरण का उपयोग केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में कर सकते हैं? देखो इन्होंने क्या किया है, कंट्रोल और डैम्पिंग के हिसाब से दिया है, तो हमारे पास दो दो ऑप्शन होते हैं, ध्यान रखना है ना। जब ग्रेविटी कंट्रोल, गुरुत्वाकर्षण कंट्रोल यूज करते हैं तो मापी को केवल वर्टिकल ले सकते हैं, और वहीं अगर स्प्रिंग कंट्रोल हो तो हम मीटर को किसी भी पोजिशन में यूज कर सकते हैं। दोनों का क्रॉस पढ़ लिया करो। इसी तरह से जो हमारा द्रव अवमंदक वाला आता है ना, द्रव घर्षण अवमंदक जो होता है, उसमें भी आप केवल ऊर्ध्वाधर काम में ले सकते हैं, जबकि एडी करंट और वायु घर्षण को आप कैसे भी काम में ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अगला सवाल देखो, ये सोल्डरिंग में से पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्ट निम्मी क्वेश्चन में से सवाल आया हुआ है। क्या कह रहे हैं? PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छोटे कंपोनेंट को जब सोल्डर करते हैं तो आपको सोल्डरिंग की कौन सी विधि ध्यान में रखनी है? टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्लेम सोल्डरिंग भी है, गन सोल्डरिंग भी है, डिप सोल्डरिंग भी है, अलग अलग प्रकार की है, सब की अलग अलग मेथड होती है, ठीक है ओके। और ये हंगरी कह रहा है कि एक प्रॉब्लम सोल्व कर दीजिए। देखो क्लास जब तक लाइव चल रही है मुझे लगता है पहले अपन ये कर लेते हैं, लास्ट में 2 मिनट का समय सबको देता हूँ पर्सनल सवालों के जवाब देने के लिए। इस क्लास को बाद में कोई भी बच्चा देखता है तो मैं ये चाहता हूँ कि वो परेशान ना हो, उसको केवल कंटेंट ही मिले। तो आप अपने सवाल तैयार रखिए, लास्ट में पूछेंगे। सवाल देखो, अर्थिंग के लिए उपयोग होने वाली GI प्लेट की मोटाई कितनी है? देखो गैल्वेनाइज्ड आयरन की अगर है तो 6.3 ही आएगा, और अगर कॉपर की प्लेट है तो साइज़ कितना आएगा? 3.15। अब देखो जनरली क्या एक सवाल ये भी पूछा गया आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि वो कोई अपने एग्ज़ाम का ही था आईटी का, कि जब अर्थिंग प्लेट में हम
धातु का परिवर्तन करते हैं तो निम्न में से किस मान में परिवर्तन आता है, ऐसा कुछ था। और फिर आंसर दिया हुआ था प्लेट की मोटाई में परिवर्तन आता है, बाकी सब सेम है, क्योंकि जो इसका लंबाई चौड़ाई का रहता है वो तो 60x60 सेम है और दोनों का सबका सेम चलता है, कितना सेंटीमीटर होता है और ये mm में होता है, ध्यान रखना GI के लिए और कॉपर के लिए। वैसे साइज सबके करवा दिए हैं, रोड का करवा दिया, स्ट्रिप का करवा दिया, पाइप का साइज लिखवा दिया और प्लेट की लिखवा दी है ना। अर्थिंग वाली क्लासेज हो चुकी है, अटेंड कर लेना जिन बच्चों ने नहीं करी हो तो, दोनों में है, व्हाइट बोर्ड वाले में भी है, डिजिटल बोर्ड वाले में है, तो डिजिटल बोर्ड वाले में तो पूरे पूरे डाटा नोट करवाएं एग्जैक्ट। इस बार शक्ति गुणक को इंग्लिश में पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर को किसका अनुपात लेते हैं, पावर फैक्टर को अनुपात के मामले में तीन का बता दिया करो, पहला वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात, दूसरा प्रतिरोध और इम्पीडेंस का अनुपात, तीसरा वी और आई के बीच जो कोण होता है उस कोण के कोसाइन को। पावर फैक्टर की तीन परिभाषाएं हैं, ठीक है, तीनों याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। और पावर फैक्टर का उल्टा क्या कहलाता है, इन्वर्स ऑफ पावर फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर कहलाता है, वो भी साथ में बताऊँ। क्यू फैक्टर बराबर 1/ पावर फैक्टर होता है। तो पेपर में क्या हुआ कि एक बार सवाल पूछा कि केवीए बटे किलोवाट क्या है, अब बहुत सारे बच्चे इसका पावर फैक्टर उत्तर करके आ गए, बहुत सारे बच्चे इसी का उत्तर पावर फैक्टर करके आ गए, तो ये गलत है। और ये इसरो सवाल आपसे पूछ चुका है, इसरो में आज लेटेस्ट वैकेंसी और आई है, पहले आपका एग्ज़ाम होना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, और सतीश धवन में भी फॉर्म अप्लाई आपने कर रखा होगा, तो इसरो के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखो माइंड सेट है ना, उसको क्लियर रखो भैया कि मुझे ये चीज़ें कवर करनी है तो करनी है, भागना नहीं है पॉइंटों से। अब दिल्ली जल बोर्ड का देख करके बच्चे बाहर हो जाते हैं, कल 100 बच्चे ज़्यादा लाइव ज़्यादा थे 100 में, और आज उसके आधे भी नहीं आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, सवाल पूछ रहा है कि किस प्रकार का वायरिंग कनेक्शन दिखाया गया है। सिंपल अगर देखें तो दो 2-way स्विचर एक लैंप है, क्या बोलेंगे इसे, CDO की वायरिंग बोलेंगे। उत्तर करो फटाफट से, स्टेयर केस वायरिंग बोलेंगे, पहला पॉइंट। और जी स्टेयर केस ना हो तो हिंदी शब्द ढूंढेंगे भैया, जीने की वायरिंग, जीने की वायरिंग हिंदी में ना हो तो क्या ढूंढेंगे, CDO की वायरिंग। लेकिन और प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में तो ये कोई भी नाम नहीं दिए हुए, अब क्या करें जी, आ जाओ ये रहा सोपान, क्योंकि सोपान किसको बोलते हैं अपन, स्टेप को बोलते हैं सोपान, एक स्टेप दो स्टेप, और CDO में स्टेप सी आती है, ठीक है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर चल जाना, इससे अच्छा पेपर नहीं मिलेगा कहीं भी। सबसे बढ़िया बेस तैयार करने के लिए है ना यही है। चित्र में प्रदर्शित हैंड टूल के प्रकार की पहचान करें, सिंपल क्वेश्चन दिखाया है, निम्नी असाइनमेंट में से एज इट इज उठाया है, और छेनी का ये एक प्रकार है, और छेनी को अपन इंग्लिश में चीजल बोलते हैं, फर्मर चीजल है, ठीक है। देखो रास्प कट फाइल होती है ना, हाफ राउंड आकृति में होती है लगभग, जिमलेट जो होता है ना, जिमलेट यूँ होता है ऐसे लकड़ी का, और होल बनाने के लिए होता है ऐसे, ठीक है। और ट्राई स्क्वायर गुणिया बोलते हो क्या उसे साधारण भाषा में, ये वाला। अब इससे तो कोई आसान सा क्वेश्चन क्या होगा बताओ, हाँ बच्चा अगर कंफ्यूज हो सकता है ना, तो यहाँ कंफ्यूज हो सकता था चीजल और फाइल में, इसका वो हिंदी नहीं समझ पाते, चीजल को छेनी बोलते हैं और फाइल को रेती बोलते हैं। आइए अगले सवाल पर, प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा AC धारा प्रवाह पर लगाए गए प्रतिरोध को क्या बोलेंगे बताओ, इसमें तीन क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ मैं। प्रतिरोध किसे बोलते हैं, जब प्रतिरोध द्वारा प्रवाह में विरोध लगाया गया हो, जब कैपेसिटिव प्रभाव द्वारा लगाया गया हो तो उसे क्या बोलेंगे, तो सिंपल सी बात है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस का प्रतीक XL होता है और इकाई ओम होती है, हाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस का XL होता है, ओम इकाई है, और अगर कैपेसिटर के द्वारा दिया जाता तो उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते और उसकी इकाई ओम है, और संयुक्त प्रतिबाधा अगर दी जाती तो उसे इम्पीडेंस बोलते, इम्पीडेंस को जेड से दर्शाते हैं और वो भी इकाई उसकी ओम होती है, ठीक है। सवाल बहुत शानदार है, पढ़ लेना, पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला सवाल देखो, डायनमोमीटर प्रकार का इक्विपमेंट है, उसे वोल्टमीटर के रूप में इस्तेमाल करना है, तो डायनमोमीटर में दो कुंडलियाँ होती है, एक को बोलते हैं फिक्स कॉइल, दूसरे को बोलते हैं मूविंग कॉइल। सिंपल सी बात है, अगर वोल्टमीटर बनाना है तो पहला काम क्या करेंगे, दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे आपस में, फिर क्या करेंगे, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई से हाई, तो एक उच्च प्रतिरोध के साथ दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे। अगर एक डायनमोमीटर प्रकार के इक्विपमेंट को हमें एमीटर बनाना होता तो क्या करते, निम्न मान के साथ वो समांतर में जुड़ जाते श्रेणी की जगह,
सवाल समझ रहे हैं? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखो। एयर कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग आमतौर पर उच्च फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में किया जाता है, क्यों काम में लेते हैं? देखो बताओ फटाफट से, वायु कोर का क्यों काम में लेते हैं? नाम से ही पता लग रहा है कोर वायु की है, वायु कोर है तो कोई उसमें लो है, हरास नहीं होगा, यानी आयरन लॉस नहीं होगा, ठीक है? हाँ, आयरन लॉस होगा ही नहीं ना, एयर कोर है, वायु है ना, वायु में लोहा तो है नहीं, ठीक है? अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है? विभाजक की स्थिति निर्धारण करने के लिए, विभाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडर, ठीक है? कैलिपर और डिवाइडर होते हैं, सॉरी स्क्राइबर और डिवाइडर होते हैं ना, उस तरह से। तो वो कह रहा है कि डिवाइडर की स्थिति निर्धारण करने के लिए आवश्यक हल्के पंच चिन्ह बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? देखो अब इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को कन्फ्यूज किया है। हल्के पंचिंग के लिए हमेशा प्रिक पंच का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? प्रिक पंच से कभी 90 डिग्री पर कोण नहीं लगता, ये तो बात ही खत्म हो गई। प्रिक पंच के दो ही एंगल होते हैं, या तो प्रिक पंच 30 डिग्री का होता है या 60 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का जो होता है ना, वो हमेशा सेंटर पंच कहलाता है, ये ध्यान रखना, और सेंटर पंच हैवी ड्यूटी का होता है, ठीक है? फिटर और टर्नर इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। अब इन्होंने डिवाइडर से लिखा है, तो डिवाइडर के लिए हम 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, वैसे 60 डिग्री का भी होता है, डिपेंड करेगा जॉब किस तरह की है, जॉब पर निर्भर करता है। अगला सवाल, एक विवर्त परिपथ से जुड़ा वोल्ट मीटर आपको चित्र में दिखाया गया, वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या है? विवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं ओपन सर्किट, बताओ फटाफट से। ओपन सर्किट के बारे में क्या बता रखा है मैंने सवाल? शिवेंद्र क्या पूछ रहा है, ये चीज़ें कहाँ मिलेगी, बुक में तो है नहीं, कौन सी पूछ रहे थे उसकी पहले वाले सवाल की, क्या है ना, हैंड टूल वाला पढ़ो अपने, हैंड टूल वाला जो फोल्डर में मैंने करवा रखा है, और अभी नेक्स्ट हैंड टूल वाला चैप्टर जल्दी हो ही जाएगा, तो मैं उसमें इस बार ये सारी चीज़ें डाल दूंगा। स्क्राइबर डिवाइडर तो पिछली बार करवा ही दिए थे, अभी लेटेस्ट नई चीज़ें और जोड़ेंगे। डिजिटल बोर्ड पर तो खूब कंटेंट दे ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ध्यान रखना है, ओपन सर्किट में ओपन सिरों पर सदैव सप्लाई के बराबर वोल्टेज होती है, ध्यान रखना, ठीक है? और वैसे कई बार यूँ बोल दिया जाता है कि ओपन सर्किट पर मैक्सिमम वोल्टेज होती है। एक क्वेश्चन और बचा है, बस आपके पर्सनल सवालों के जवाब दूंगा, बने रहिए बस। देखो वोल्टेज अगर 100 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 100 वोल्ट ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? ओपन सर्किट पर सदैव सप्लाई के बराबर वोल्टेज होती है। यूपी आरविनल TG2 2021 में ये सवाल पूछ चुका है, हालांकि तरीका अलग था उनका पूछने का, उन्होंने ओपन यहाँ दिखा रखा था, दो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े थे। क्वेश्चन है शानदार, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जी। अगला सवाल देखो, अर्थिंग के दो प्रकार पूछ रहा है, वो कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण का जो गैर धारावाही धातु भाग, नॉन करंट कैरिंग मेटलिक पार्ट को अगर हम अर्थिंग से जोड़ते हैं तो इसे कौन सी अर्थिंग बोलते हैं? हमारे पास दो तरह की अर्थिंग होती है, एक को बोलते हैं सिस्टम अर्थिंग, एक को बोलते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग, दोनों करवा चुका हूँ। अगर हम न्यूट्रल को अर्थ करते हैं तो इसे बोलते हैं सिस्टम अर्थिंग, और अगर हम उपकरण के मेटालिक पार्ट को अर्थ करते हैं तो इसे बोलते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग। देखो आज के जो 20 क्वेश्चन है ना, किसी भी बच्चे के गलत नहीं हो सकते थे। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, उनका आज का स्कोर 20/20 है। मेरा निवेदन इतना है कि ये 20 क्वेश्चन वो है जो UPPCL TG2 आपको दे सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के दो पेपर है, दोनों में 100-100 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन टेक्निकल के है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो जो बच्चे UPPCL वाला पेपर देने वाले हैं ना, ये 200 क्वेश्चन पढ़ जाना पूरे के पूरे। एग्ज़ाम में अभी समय है, और आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। UPPCL वाली टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी अनलिमिटेड कर दी है, अपडेट आ गया है, और उसकी जो वैलिडिटी है वो अब एग्ज़ाम तक चलेगी आपके। चलिए अब आने दो पर्सनल सवाल क्या थे फिर। बहुत धन्यवाद सभी को यहाँ तक जुड़ने के लिए। लाइक जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, बहुत कम संख्या लाइक्स की रहती है, बोल बोल कर करवाना पड़ता है। इसरो भी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसरो और UPPCL TG2 दोनों के लगभग लेवल सेम रहते हैं। 12 के एग्जाम का डेट नहीं भाई, कोई अपडेट नहीं है, और
एग्जाम का डर लग रहा है, किसका लग रहा है भैया? डरना क्या है, पेपर तो सिंपल सा ही होगा। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी को यहाँ तक जुड़ने के लिए, शुक्रिया, शुभ रात्रि। हो सके तो लाइक वाला बटन दबा देना, ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री वाला टेस्ट अटेंड कीजिए, फ्री टेस्ट अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।